सबसे पहले मैंने बताया था इंटरेस्ट के आपको सिक्योरिटी, इन्वेस्टर जो रहता है वो दो तरीके की एबिलिटी रखता है, या तो उसको डिविडेंड देना रहेगा या तो उसको इंटरेस्ट चाहिए। डिविडेंड चाहिए तो बंदा किधर इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी या प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट चाहिए तो वो डिबेंचर में, पब्लिक डिपॉजिट में, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग ने इंटरेस्ट वाली वैरायटी चालू की थी, जहां पर हमने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट देखा था। अब वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर जो है ना, वो एक अकाउंट बनाएगा, इसको हम लोग लेजर अकाउंट कहते हैं, और उस लेजर अकाउंट के ऊपर लिखेगा वो इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेगा, इन द बुक्स ऑफ। अब किसका नाम आएगा यहां पर, इन्वेस्टर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, इन्वेस्टर। कंपनी नहीं बनाती ये, कौन बनाता है, इन्वेस्टर बनाता है। तो अगर शिवा ने पैसा लगा तो शिवा का नाम लिखो, माइकल ने पैसा लगा तो माइकल का नाम आएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका इन्वेस्टमेंट है, और ये जो लाइन है डेबिट और क्रेडिट की लाइन, वहां पर लिखा रहेगा सपोज डैश डैश परसेंटेज। मैंने बताया 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15%, तो डैश परसेंटेज ऑफ डैश, क्या डैश पर मतलब 9% ऑफ डिबेंचर, 10% ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, या 8% पर डिबेंचर डायरेक्टली का तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटीज वगैरह का नाम दिया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लेता रेट, लिख देता यहाँ पर रेट, ठीक है, रेट यहाँ पर क्या आएगा, सिक्योरिटीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी में मैंने बताया क्या क्या चीज आती है, वो सारी चीज मैंने बताया। ऑफ यहां पर आएगा बेटा कंपनी का नाम, किसका नाम आएगा, कंपनी, ठीक है। तो परसेंटेज यहां पर आ गया, सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, तो ऐसा समझो 8% डिबेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ये सब में लिखना है। अगर मैं पब्लिक डिपॉजिट की बात करता हूं, 10% पब्लिक डिपॉजिट ऑफ शिवा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, समझा, या ऐसा लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक डिपॉजिट, ऐसा कुछ भी, जैसा भी दिया रहेगा। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है तो 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ऐसा रहेगा। तो ये दो फॉर्मेट में बनेगा। उसके आगे ये जितना हिस्सा हम लोगों को दिख रहा है वो हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, और बाकी का हिस्सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो ये आधा पेज इधर आएगा और आधा उधर, यानी एक पेज पर दो लाइन होगी, क्लियर। तो आधा पार्ट इधर डेबिट और इधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये जो बाकी का जो पेजेस बच रहा है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट करेंगे। इसमें याद रखना हर एक स्टेप पर वर्किंग नोट है, हर एक स्टेप पर क्या है, वर्किंग नोट है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लगेगा स्टार्टिंग के 3-4 सम में, लेकिन एक बार आदत हो गया तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट समझा। अब इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएगी, सबसे पहले आपको यहां पर बनाना है स्टेप नंबर 1, कैसे सॉल्व करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सम, सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते समय आपको बनाना है टाइमलाइन, क्या बनाना है, टाइमलाइन। स्टेप नंबर 1 मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले क्या बनाने का, टाइमलाइन बनाने का। ये टाइमलाइन होता क्या है पहले वो समझाओ। टाइमलाइन का मतलब होता है 12 महीने का विंडो पीरियड होता है, जैसा कि मालूम है हर फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। उस 12 महीने में हमारा साल कब स्टार्ट हो रहा है और साल कब खत्म हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। मानो मेरा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को मान लो, और मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो मुझे मेरे एक ओपनिंग और क्लोजिंग पता होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी कब इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट कब दे रही है, तो साल में एक बार इंटरेस्ट दे रही है कि साल में दो बार इंटरेस्ट दे रही है, वो क्वेश्चन में क्लियरली डेट वाइज मेंशन रहेगा। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट का डेट देखना है, क्या देखने का बेटा, इंटरेस्ट का डेट। तो आपको जो भी इंटरेस्ट का डेट बीच में आएगा तो आप इंटरेस्ट का डेट देखने का, साल में एक बार इंटरेस्ट दे रहा है, दो बार इंटरेस्ट दे रहा है, 3 बार इंटरेस्ट दे रहा है, 4 बार इंटरेस्ट दे रहा है, 6 बार दे रहा है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देखना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में परचेज, क्वेश्चन में सेल दिया होगा, क्वेश्चन में 2 बार परचेज बोला, 2 बार सेल बोला, वो आपको आइडेंटिफाई करके दिया रहेगा, तो आपको परचेज और सेल मार्क करना है। क्या मार्क करना है, परचेज और सेल। यानी किसी भी टाइमलाइन के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, किसी भी टाइमलाइन में ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, परचेज आएगा, सेल आएगा, और उसके अलावा क्या आएगा, इंटरेस्ट, बस
दो बार इंटरेस्ट हुआ तो दो बार इंटरेस्ट का डेटा आएगा, दो बार परचेस है तो दो बार परचेस, दो बार सेल, ऐसा आएगा। इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। टाइमलाइन बनाने के समय आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सा प्री और पास्ट टू की बात करूंगा, ठीक है, वो समझेगा। स्टेप वन की बना यानी टाइमलाइन अगर आपका बन गया ना तो ऑलमोस्ट 30% सम तो आपका खत्म हो गया। क्यों मालूम है? ये टाइमलाइन के बेसिस पर, जिसका डेट करेक्ट, जिसने टाइमलाइन प्रॉपर एलोकेट कर दिया कि परचेस क्या है, सेल कौन सी तारीख को है, इंटरेस्ट कैसे, तो वो सारी चीजें मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आपके टाइमलाइन बन जाएगी। और जब टाइमलाइन आपकी बन गई ना तो सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना, आप क्वेश्चन को साइड में भी कर दोगे तो भी आपका वहां पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फोकस आपको कहां करना है, स्टार्टिंग में टाइमलाइन, कम से कम चार पांच सम करोगे, टाइमलाइन पे फोकस करोगे, टाइमलाइन बनाने आ गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक हद तक आपको आ जाएगा। उसके बाद टाइमलाइन बनाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका? इन्वेस्टमेंट का। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा इफ एनी, दिया होगा तो करने का, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। दिया है तो, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पहला चीज समझा। दूसरा, मैंने बार बार मैं क्या करूंगा, परचेस करूंगा, तो जितनी बार मैं परचेस करूंगा उतनी बार मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट निकालना है, उतनी बार मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना है। अगर याद होगा कल के लेक्चर में हमने कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों निकाला था, कब? परचेस और करने के टाइम पे। परचेस के टाइम पे कॉस्ट भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। और मैंने बताया था इंटरेस्ट आपके कितने तरीके के होते हैं, दो। कौन कौन सा? एक होता है एक्स इंटरेस्ट, दूसरा होता है कम इंटरेस्ट। तो एक हो गया एक्स इंटरेस्ट, दूसरा हो गया कम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका कोई भी तरीके से रहने तो कोई मैटर नहीं करता, आपके लिए दोनों चीजें क्या है, बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी बोलने तो चलेगा। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट है सेल। क्या है? सेल। बेटा परचेस किया तो सेल भी आएगा, सेल करोगे तो आपको कॉस्ट भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है। और जैसा मैंने बताया यहां पर आपको एक्स भी बोल सकता है और कम भी बोल सकता है, सिंपल। तो सर आपने ये अलग क्यों लिखा, परचेस के बैक स्लैश मार के सेल भी तो लिख सकते थे, क्योंकि जब भी आपको सेल बोलेगा अनडाउटेडली सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस का, क्या? ऑन सेल। यानी मैं परचेस करूंगा ना तो उसमें मुझे फायदा हुआ नुकसान है वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन अगर मैं सेल करता हूं तो या तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या तो मुझे लॉस मिलेगा, वो मुझे जरूर देखना है। यानी जहां जहां पर सेल बोला इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में मुझे बोला नहीं रहेगा, याद रखना, क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट और लॉस बोला नहीं रहेगा, मुझे ऑटोमेटिकली निकालना है सेल के तुरंत बाद, सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेल के तुरंत बाद। यहां पर गलतियां करते हैं सब, प्रॉफिट एंड लॉस बोला नहीं है, नहीं बोला तो भी हर सेल के बाद निकालना है, क्लियर। उसके बाद फोर्थ, आपको निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस। जैसे मैंने ओपनिंग निकाला वैसे मेरे को क्लोजिंग भी निकालना है। अब क्लोजिंग निकालते समय मेरे पास फेस वैल्यू भी होगा, मेरे पास कॉस्ट वैल्यू भी होगा, और मुझे अनडाउटेडली इंटरेस्ट भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इंटरेस्ट, सिंपल। फेस वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, तीनों कॉलम दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग करूंगा तो सब इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा बेटा, क्या आएगा वहां पर, जहां जहां पर आप इंटरेस्ट देख रहे हो ना वो हर जगह पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा, इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकलेगा। हम लोग बैलेंसिंग फिगर करते थे मालूम है, वैसा नहीं आएगा यहां पर, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या याद रखना है,
स्टेप थ्री, स्टेप टू में ज्यादा चीजें बता दी याद रखने के लिए, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आपको याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंटरेस्ट? सबसे पहले टाइम पीरियड, कितने महीने का निकालना है, कितने दिन का निकालना है, कितने साल का इंटरेस्ट निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पीरियड, टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा रेट, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा हुआ है। क्या फॉर्मूला देखा हुआ है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला था पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू भी होनी चाहिए, मेरे पास पीरियड भी होना चाहिए, मेरे पास रेट, तभी तो मेरा इंटरेस्ट निकलेगा। और एक और चीज कल सिखाया था मैंने, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ऑन फेस वैल्यू, ये भूलना नहीं, भूल जाते हैं, गलतियां हो जाती है, ठीक है। ये दो चीज, इतना चीज समझा सर। ये फेस वैल्यू कैसे निकाल लेगा? अब फेस वैल्यू दो तरीके से देता है क्वेश्चन में, कितने तरीके से देता है? दो तरीके से, या तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहेगा, या तो आपको फेस वैल्यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स, 500 शेयर्स, 500 डिबेंचर, 500 सिक्योरिटीज। तो इसको मैं शेयर्स ना लिख के सिक्योरिटी लिखता हूं, ठीक है। तो आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसकी एग्जैक्ट फेस वैल्यू के साथ। किसके साथ? फेस वैल्यू, मतलब 500 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 500 इंटू 100 कितना हो गया? 50,000। सिंपल, ये हो गया नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो दूसरा क्या दे सकता है? रुपीज 50,000 डिबेंचर परचेज फॉर 40 रुपीज ईच। 50,000 रुपए का डिबेंचर हमने 40 रुपए के भाव से खरीदा, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 100 के, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हो गया? 500 इंटू 40, मतलब मैंने 50,000 रुपए का डिबेंचर 20,000 रुपए में खरीदा। तो यानी यहां पर 50,000 मेरी क्या है? फेस वैल्यू। ये दो तरीके से दे सकता है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझेगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन रहता है तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे सम करोगे तो आपको ये सारी चीजें क्या है कि धीरे धीरे क्लियर होगी कि क्या चीजें मैं बोलने की कोशिश कर रहा था इंट्रो में, ठीक है। फिलहाल मोटा मोटा बात, स्टेप नंबर वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होने वाला है? टाइमलाइन। अगर इसका टाइमलाइन आ गया उसको 30% सम तो उधर ही खत्म होगा, क्योंकि उसने टाइम बरोबर बैठा है, डेट बरोबर बैठा है, इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना, सारी चीजें टाइमलाइन में ही छुपी हुई होती है। दूसरी, आपको क्या ध्यान देना है? ओपनिंग बैलेंस, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया तो उसका इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट निकालना है। दूसरा, आपको परचेज और सेल, परचेज करते समय कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों निकालना है। कम इंटरेस्ट बोला तो कम कर देने का, एक्स इंटरेस्ट है तो लिख देने का। सेल बोला है तो सेल करते समय भी कॉस्ट निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का। कॉस्ट कोई टेंशन नहीं, इंटरेस्ट एक्स है कि कम है? कम है तो क्या करने का बेटा? कम कर देने का। एक्स है तो एज इट इज लिख देने का। लेकिन सेल करने के तुरंत बाद एक और स्टेप आएगा, प्रॉफिट और लॉस, अदरवाइज आपका सम उधर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस में फेस वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का हमेशा क्या आएगा? कैलकुलेशन। बहुत ऐसे कम सम मिलेंगे जहां पर आपको कॉस्ट का भी कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगा। आएगा तो मैं समझाऊंगा, नहीं आया तो कोई टेंशन ही नहीं है। इंटरेस्ट, स्टेप थ्री में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, प्रिंसिपल, पीरियड और रेट। प्रिंसिपल मतलब फेस वैल्यू, प्रिंसिपल मतलब फेस वैल्यू, कॉस्ट लेने का नहीं। पीरियड दिया रहेगा, जब हम टाइमलाइन बताएंगे तो उसमें बताऊंगा कि कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है, तो पीरियड भी मेंशन रहेगा। रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, 8%, 10%, 12% दिया रहेगा, तो वो रेट हो जाएगा। सिंपल,
उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने बताया दो तरीके से जाता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू दिया रहेगा एक डिबेंचर का, या डायरेक्टली पूरा दिया रहेगा 50,000, सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ये आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरफ, किसके तरफ, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले इसमें किसी को डिफिकल्टी, ऊपर में किसी को डिफिकल्टी है क्या, पक्का श्योर? यहां पर फॉर्मेट तो बन गया, अभी कहां पर कौन सी चीज आएगी वो देखो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है बताओ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? हा, इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पक्का? चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट असेट में आता है या लायबिलिटी में आता है? तो जो आइटम्स असेट्स और लायबिलिटी में आता है वो रियल अकाउंट माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी आपको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ तो देगी। उस पैसे का इस्तेमाल आप उस, सपोज मैंने कंपनी में शेयर्स खरीदा तो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, डिबेंचर खरीदा तो डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा, बैंक में जाके मैंने एफडी रखा तो मुझे एफडी का रिसिप्ट मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, असेट ही है ना। तो मैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर करता तो वो मेरे लिए क्या है, असेट है, तो ये मेरे लिए असेट हो जाएगा। अच्छा, असेट हैविंग अ विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो हमेशा वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अब मैं बताता हूँ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में पहले फर्क समझा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग टीवाई बीकॉम में आ गए हो तो अभी थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाओ। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में फर्क क्या रहता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमने पिछले इसमें यहां पर जो क्रेडिट हुआ रहेगा उसको हम यहां पर डाल रहे तो वो कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट। यानी डेबिट बड़ा है मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे डेबिट बैलेंस हम कहां लिखेंगे, डेबिट में, क्या लिखेंगे, डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे तो इन्वेस्टमेंट का डेबिट आ जाएगा, मतलब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सिंपल। हमारी एक पर्टिकुलर डेट्स होगी, उसका एक फेस वैल्यू होगा, उसका एक कॉस्ट वैल्यू होगा, और इंटरेस्ट मैंने बताया था ओपनिंग के ऊपर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। और जब आप इंटरेस्ट निकालो तो वर्किंग नोट नंबर वन में जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन किए बिना तो निकाल नहीं सकते, तो ऑब्वियसली वर्किंग नोट नंबर वन हो जाएगा वो। अब पर उसके बाद दूसरा क्या सिखाया था, ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या सिखाया था, परचेज, याद है स्टेप नंबर टू में परचेज सिखाया था। तो अब परचेज ऑफ एन असेट, आपने असेट परचेज किया बेटा, तो यहां पर असेट की जगह पर बेटा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्या जाएगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो अब इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं मतलब उसमें शेयर भी आ गया, डिबेंचर भी आ गया, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब आ गया, ठीक है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो क्या आएगा और क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसा जाएगा, तो इसका मतलब एंट्री मेरी होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा मुझे एग्जैक्टली मालूम तो है नहीं, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्यादातर केसेस में बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश बैंक नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे वहां पर, बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कौन किसके थ्रू होता है, बैंक के थ्रू। कोई भी रास्ते पे खड़ा होकर शेयर थोड़ी ना बेचेगा, वो आपको बैंकिंग के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, तो वहां पर कौन सा अकाउंट रहेगा, बैंक, पहला। तो अगर मैं एंट्री पास करूं तो कैसे पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जाके क्या लिखूंगा, बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जाके क्या लिखूंगा बेटा, बैंक, सिंपल। उस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू भी होगी, उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू भी होगी, और उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया कि हम लोग परचेस करते समय कॉस्ट भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। अच्छा बेटा, परचेस किया तो सेल कहां पर आएगा, क्रेडिट में। परचेस मेरा डेबिट में आ रहा तो सेल कहां आएगा, क्रेडिट में। अगर मुझे उसको क्रेडिट में डालना तो कैसे, क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट,
है ना। परचेस अगर मैंने डेबिट में डाला तो सेल कहाँ डालूंगा, क्रेडिट में डालूंगा। क्रेडिट करते समय तीनों वैल्यूज मुझे मिलेगी वर्किंग नोट नंबर 3 में फॉर एग्जाम्पल। तो सेल करने के टाइम पे एंट्री क्या आ रही है बेटा, सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाय में जो जाएगा वो डेबिट हो जाता है बेटा, बाय बैंक बोला तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई तकलीफ, पक्का ओके तकलीफ इतना। सेल करने के बाद और भी कुछ बताया था मैंने, क्या बताया था, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको लॉस मिलेगा। तो यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट। चलो अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा, लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई तकलीफ। प्रॉफिट मिला तो कहां डालोगे, लॉस मिला तो कहां डालोगे। आप नॉर्मली प्रॉफिट डेबिट में डालते हो, लॉस कहां डालते हो, क्रेडिट। तो यहां ही लिखना है, डेबिट में प्रॉफिट, क्रेडिट में लॉस। कौन से अकाउंट में, तो बेटा ये आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, कौन से कॉलम में आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कॉलम में आएगा। कौन से कॉलम में आएगा, अच्छा डेबिट में कब लिखोगे आप, डेबिट में कब लिखोगे, जब प्रॉफिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई तकलीफ, लॉस हुआ तो क्या करोगे, रिवर्स एंट्री, मतलब क्रेडिट में आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। सेम कॉस्ट में एंट्री आएगी, क्योंकि भाई अपना कॉस्ट की वैल्यू से कंपेयर होता है। तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई तकलीफ, पक्का। ओपनिंग मैंने बता दिया, यहां पर मैंने ओपनिंग एक्सप्लेन कर दिया, फिर परचेज बताया, सेल बताया। सेल करने के बाद क्या करने का, प्रॉफिट या लॉस। अच्छा दो बार परचेस आया तो दो बार परचेस का एंट्री आएगा, ये नहीं करना हमको, ये करना है, याद रखना। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा ताकि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आ गया तो ऐसा नहीं बोलना कि एमसीक्यू सिखा है नहीं, जो एक्सप्लेन किया वही चीजें एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको मालूम है परचेस डेबिट में आता है तो एंट्री क्या लिखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सिंपल। और सेल आया तो एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल। प्रॉफिट आया तो एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस आया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल। इसके अलावा एक और चीज आप मिस करो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप जब परचेस करोगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट में लिख रहे हो ना। तो जब आप परचेस करोगे ना तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट भी अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट भी आएगा। और जब आप सेल करोगे तो उसके साथ भी कौन सा अकाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि आप इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, समझा। परचेज तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं इन्वेस्टमेंट भी पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं, तभी जाके बैंक से जाएगा, दोनों वैल्यू एक साथ, ऐसा। और अगर मैं सेल करूंगा तो सेल करते समय एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सिंपल। क्योंकि हम लोग, अच्छा फेस वैल्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फेस वैल्यू लेते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देख 100 रुपए का सामान है, मैं 120 में खरीदूंगा तो मैं एंट्री कौन सी पास करूंगा, 120 रुपए की, 100 रुपए की कभी एंट्री पास नहीं करता। अच्छा मैं फेस वैल्यू क्यों लिख रहा हूं फिर, अगर मैं 120 की एंट्री पास करने वाला हूं तो मैं 100 रुपया क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, समझा। हर स्टेप में जहां देखो हर स्टेप में आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल। और एट द लास्ट अगर आपने ओपनिंग डेबिट में लिखा है तो इसका मतलब क्लोजिंग कहां आएगा आपका, क्रेडिट में आएगा। फेस वैल्यू का भी आएगा, इंटरेस्ट का भी आएगा और कॉस्ट का भी आएगा, और दैट सेट। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड टैली कर देना है। टैली करते समय जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है
वो बैलेंसिंग फिगर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। वापस बोल रहा हूं, अगर बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस करते समय, क्लोजिंग बैलेंस करते समय, क्लोजिंग बैलेंस करते समय अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचता है तो उसे कहां पर ट्रांसफर करना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो डेबिट में डालो, क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में, सिंपल। वापस बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में याद रखो इन्वेस्टर दो तरीके का होता है, एक होता है डेप्ट वाला, एक होता है ओनर वाला। ओनर वाला शेयर्स में डील करता है, डेप्ट वाला डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट में डील करता है। तो फिलहाल हम लोग कौन सा कर रहे हैं, इन्वेस्टर और अराउंडिंग सिक्योरिटीज ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाला सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओपनिंग रहेगा तो डेबिट में डालो, क्लोजिंग रहेगा तो क्रेडिट में डालो, परचेस रहेगा तो डेबिट में डालो, सेल रहेगा तो क्रेडिट में डालो। सेल के तुरंत बाद क्या एंट्री आएगी, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो डेबिट में डालो, सेल होगा तो क्रेडिट में डालो, सिंपल। उसके बाद जब क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग करने का तीनों, और उसके बाद जब आप टैली करने के लिए बैठोगे तो आपको कॉस्ट का जो कॉलम रहेगा ना कॉस्ट, उधर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, वो बैलेंसिंग फिगर को किधर डालने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल क्लियर। इसमें डिफिकल्टी, इसके अलावा एक इंटरेस्ट वाले सब में कोई भी एडिशनल एंट्री आने वाली नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी इसमें,